हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम पांडे है फ्रॉम बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। मैं एज एन IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के टीम में वर्क कर रहा हूँ और मेरा एक खुद का स्टार्टअप भी है। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं एक जैसे अकेडमी रन करता हूँ। तो मैं आज आपसे जो हमारा पिछला टॉपिक था कि हम अपने बिजनेस को, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, उसको अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड अपना वीडियो, लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दिया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ आगे मैं टिप्स देने वाला हूँ। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कस्टमर्स के टाइम को वैल्यू देकर आप कैसे कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं अपने दुकान में, और सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्हीं कस्टमर को रेगुलर कैसे बना सकते हैं। मान लो जो न्यू कस्टमर्स हमारे शॉप पे आए, मेरे बिजनेस में आए, हमसे परचेजिंग करके गए, एक बार अगर मेरा कोई कस्टमर बन गया तो वो रेगुलर कस्टमर, लॉयल कस्टमर हम कैसे बना सकते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताया था उसके बारे में। तो आज मैं आपसे उससे ही रिलेटेड कुछ नया टिप्स देने वाला हूँ, तो आप उसको अप्लाई करके खुद को भी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन बाद होली आने वाला है, एक नया फेस्टिवल, हमेशा मतलब नया फेस्टिवल नहीं, मतलब हमेशा टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स आते रहते हैं। तो हम लोग इस फेस्टिवल्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं इन द सेंस कि अपने बिजनेस को ग्रो करने में, कस्टमर्स को अच्छा बेनिफिट देकर अपने भी बिजनेस में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं आप आसपास देखते होंगे, या आप जो बिजनेसमैन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि आप अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे हैंडबिल छपवाते हैं। हैंडबिल छपवा कर आप पेपर में उसको डलवाकर डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, या फिर किसी के थ्रू उसको आप डिस्ट्रीब्यूट मार्केट एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट कराते हो, या कहीं कहीं आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हो। उसमें क्या होता है कि कॉस्ट बहुत पड़ जाता है, मतलब कि कन्वर्जन रेशियो उतना हो नहीं पाता है। आप खुद भी उस चीज़ को रियलाइज़ करते होगे, आपको टाइम टू टाइम मार्केटिंग अपना करना पड़ता है, हैंडबिल छपवा कर आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ता है, तब जाकर कुछ थोड़ा बहुत कन्वर्जन आता है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, मैंने बताया था कि एक नए कस्टमर को बनाने के लिए 93% महंगा पड़ता है, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसी को बनाए रखने में और न्यू कस्टमर को लाने में, अपने कस्टमर बनाने में 93% महंगा पड़ता है। तो ये चीज़ रियलाइज़ आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। हमें वो काम नहीं करना है आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब कि नए कस्टमर्स के पीछे हम भाग रहे हैं, पुराना वाला कस्टमर हम छोड़ते जा रहे हैं। नए कस्टमर के आगे को पकड़ना चाहते हैं, उसको सेल्स करना चाहते हैं, और पीछे वाले को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, सब लोग करते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस होता है ये होने से। जो पुराना कस्टमर है वो छूट जाता है और हम लोग हमेशा न्यू कस्टमर के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसको अगर हम लोग ध्यान में रख के कुछ एक नया कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो जो पुराना कॉन्सेप्ट है हैंडबिल छपवा कर, आजकल देखो डिजिटल का ज़माना है, आपको कहीं ना कहीं डिजिटल होना पड़ेगा। आप कितना भी जो पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केटिंग करने का, वो अप्लाई करने पर उतना कन्वर्जन नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि अगर आप खर्च जितना करते हो, इन्वेस्टमेंट जितना अपने मार्केटिंग पे करते हो, उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं जितने भी छोटे, मैं देखो ऐसा टिप्स देता हूँ जो सब लोग यूज, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, जो शॉप्स, जनरल स्टोर चला रहे हैं, स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं, या छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, मेरा टिप्स जो है खासकर उन लोगों के लिए है, वो आप लोग अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं बता रहा था कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप खुद कंप्यूटर चलाते हो, चलाना जानते हो, या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो कंप्यूटर चलाना जानता होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि एक डिजिटल हैंडबिल छपवा सकते हो। जैसे आप छपवाते हो ना कि होली सेल, मेगा होली सेल, मेगा दिवाली सेल, जैसे जो हमारे अगल बगल जो मॉल्स होते हैं उनका हमेशा आप देखते होगे, वो उनका
इस टाइप का हैंडबिल हमेशा आते रहता है कि इस दिवाली पर ये ऑफर है, आप इतना सामान ले जाओ इसके साथ ये फ्री, होली में इस टाइप का सेल है, ये सामान ले जाओ इसके साथ ये फ्री। तो ये सब काम हम लोग भी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं ये भी कर सकते हैं, आप लोग भी इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को कर सकते हो, और आपके जो रेगुलर कस्टमर हैं वो उनको आप वही वैल्यू एडेड प्रॉफिट उनको भी आप दे सकते हो, जो वो मॉल में चले जाते हैं या कहीं बाहर दूसरे जगह से फेस्टिवल के टाइम में परचेजिंग कर सकते हैं, वो ये काम ना करके आपसे ही परचेजिंग करें, तो उनको भी आप ये कॉन्सेप्ट इजीली दे सकते हो और उनको अपना सेल्स बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कंप्यूटर पे आप एक डिजिटल, आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कंप्यूटर पे डिजिटल हैंडबिल छपवा लो, उसमें फेस्टिवल का ऑफर दे दो कि मेगा होली सेल या फिर कुछ भी इस टाइप का टॉपिक देकर आप उसके नीचे छपवा दो कि आप ये इतना का परचेजिंग, मान लो 2000 का परचेजिंग अगर आप करते हो तो 50 रुपीज़ का आपको एक ये दिया जाएगा, एक कूपन दिया जाएगा, इस कूपन को आप नेक्स्ट नेक्स्ट परचेजिंग में इस कूपन को अप्लाई करके आप 50 रुपीज़ का कूपन लेकर आप उसका यूज़ कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। इस टाइप का 2000 पे 50 का, 2500 पे 80 का या 100 का, ऐसे करके 3000 का, और 3000 का परचेजिंग करते हो तो 150 का कूपन, या इस टाइप से करके आप उसको ये कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो, अभी जैसे मान लो होली आने वाला है तो अगर 1000 का परचेज करते हो तो आपको जो होली के रंग होते हैं, जो कलर्स होते हैं, वो आपको एक बंडल फ्री मिल में देंगे हम, या इस टाइप से आप थोड़ा थोड़ा आप अगर कस्टमर्स बढ़ाओगे, अपना सेल्स बढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट अपना कट करके अगर आप कस्टमर को कुछ वैल्यू एडेड दे देते हो तो इससे आपका बहुत प्रॉफिट गेन होता है। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, आपको लगेगा कि मैं क्यों फ्री में दे दूं या कुछ नहीं, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपके कस्टमर्स भी नहीं बढ़ेंगे, तो आप जहां हो वहीं रह जाओगे। तो इसलिए अगर आपको कस्टमर्स बढ़ाने हैं, अपने लीड्स बढ़ाने हैं, अपना सेल्स बढ़ाने हैं, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा करना पड़ेगा, कस्टमर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आप अपने छोटे छोटे जो आप शॉप जिनका ओन शॉप के अगर ओनर हो तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके सेल्स बढ़ा सकते हो। तो ये आज का मेरा टिप्स था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।